नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है वैभव एंड लेके आ चुका हूँ आपके लिए चैनल पे एक और नई वीडियो जयपुर जोधपुर रूट के इलेक्ट्रिक ट्रेनों से रिलेटेड। हालांकि आज जो ये ट्रेन है वो जोधपुर फुलेरा रूट नहीं बल्कि जोधपुर डेगाना रतनगढ़ वाला जो दिल्ली वाला रूट है जिसपे सालासर एक्सप्रेस चलती है, इस रूट पे एक और गाड़ी है जिसको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन दे दिया गया है। अभी ये गाड़ी इलेक्ट्रिक इंजन पे चलाई जाएगी और इनफैक्ट चलाई जा चुकी है, जिसका नाम है बाड़मेर हावड़ा एक्सप्रेस, जो कि बाड़मेर से हावड़ा के लिए चलती है। और साथ ही में इलेक्ट्रिक इंजन मिलने के पश्चात इसकी टाइमिंग में थोड़ी जो है फेरबदल किए गए हैं। जोधपुर में किया जाएगा इसका ट्रैक्शन चेंज, यानी जोधपुर तक ये गाड़ी अब इलेक्ट्रिक इंजन पे संचालित होगी। तो गाड़ी संख्या 12323 और 12324 जो है ये आज जोधपुर तक इलेक्ट्रिक इंजन से पहली बार पहुंच चुकी है और 23 तारीख यानी आज ही ये वापस बाड़मेर से जब चलेगी और जब जोधपुर आएगी तो वापस इसमें इलेक्ट्रिक इंजन लगा दिया जाएगा और ये अपने रूट मेड़ता रोड, डेगाना, सुजानगढ़, रतनगढ़ वाले रूट से होते हुए दिल्ली तक इलेक्ट्रिक इंजन से जाएगी। अभी तक ये केवल दिल्ली से हावड़ा के बीच इलेक्ट्रिक चलती थी, पर अब ये पूरा हावड़ा से जोधपुर तक इलेक्ट्रिक पे चलेगी। और टाइमिंग में जो जो चेंजेस हुए हैं आप यहाँ देख सकते हो। तो इसके बाद अब देखते हैं और कौन सी ट्रेन है जिसको इस सेक्शन पे इलेक्ट्रिक इंजन दिया जाएगा। इसी के साथ बात करें जोधपुर फुलेरा सेक्शन की, तो हो सकता है जल्दी जयपुर जोधपुर के बीच चलने वाली हाईकोर्ट एक्सप्रेस भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे चलाई जाए। और उसके अलावा सवाई माधोपुर पे जिनका ट्रैक्शन चेंज होता है, जो कि है बीकानेर पूरी, जोधपुर पूरी और BGKT बिलासपुर, देखते हैं इन ट्रेनों को भी कब तक इलेक्ट्रिक इंजन मिल पाता है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।